استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله ربي واتوب اليه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدهته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يبلغ الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله هو غوص الفطن جلت عظمته والصلاه والسلام والتحيه والاكرام على البشير النذير السراج المنير الطور الطاهر الدر الفاخر الالم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد صلى الله عليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أظهر الله أَنْهُمُ الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمي فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف वलानतदातबाक़त वत वाकू कहम अजमीन अजान गी अल्लाम वरम वबरकु चंद दिनों के बाद हमारे आठवें इमाम हज़रत इमाम अलीबन मूस रज़ा सलाबातल इमाम रऊफ़ इमाम रहीम, इमाम जामिन इमाम ग़रीब का रोज़ विलादत है इस शान मुनासिबत से सबसे पहले उनके फ़र्ज अज़ीज़ इमाम वक्त हज़रत हजन हसन अस्करी सलाबातल साम के ख़िद अकदस में और उनके बाद उनके नायबिन आम उनके मौर अतमाद महाराज के नाम हफजमल्ल तुदा उन सब की हिफाजत करें दर्जा तवल कर और बाकी आलुमाएँ का नाम जो दीन स्लम और मज़बी अहलव खिदमत कर रहे हैं और आप तमाम ममनिन और ममिनात की खिदमत में हदि तबरीको तहनीत पेश करने की खुदा हम सब को इस रोज़ की मुबारकबाद नसीब फ़रमाए इसकी बरकतें हम सब के शामिल हाल हो और खुदा बंद अजीज़ मुताल की बारगाह में दस बदुआ ख़ुदा बंद आलम जल्द अज जल्द जल जल एम आमाम वक्त और इमाम रजा के सदक़े में इस बला को सारी दुनिया से खास कर उनके चाहने वालों से जल्द अज़ जल दूर फरमाए जीारत की राहों को जल्द अजल्द हार फरमाए साल भर ज़्यादा हो गया कि बहुत से चाहने वाले इमाम की बारगाह में ज्यारत की तमन्ना लिए हुए हैं और सलाम लबों पर मंडला रहे हैं और सलाम करने के लिए दिल और ज़बान बेचैन है पेशानियाँ उस बारगाह अकदस का बोसा लेने के लिए बेताब है कितने ऐसे लोग थे जिस वबा में गिरफ्तार होकर अपनी हसरतें लेकर दुनिया से चले गए खुदा और उनके दर्जात को बुलंद से बुलंदर फरमाए और उनकी नीयतों के मुताबिक उनको ज्यारत इमाम का शरफ नसीब फरमाए बहरहाल दस्वत हुआ है कि इस रोज़ सईद की ईदी खुदा आलम इस बला की दूरी को करार दें और तमाम अहलवैत के चाहने वाले दुनिया में जहाँ भी हैं जिस हालत में भी हैं जहाँ भी हैं जिस गोश कनार में हैं अगर वो खुदा नफा खुदा नजा इस बला से मुसर तो खुदा उनको जल्द अज जल्द अहल बैतः मक़े में शिफ़ाए कामिल आजिल तल उम्र सेहत उस व सलामती इनायत फरमाए और बाया जो लोग इस बला में महफूज खुदा आखिर वक्त तक उन तमाम लोगों को इस बला से और बाया दूसरी बलाओं से महफूज रखे ऐसा न गी अम मासूमी और ख़ास कर इमाम अलीबिन मसलसलासल्लाम से जो रवायतें आई हैं वो अज़ीमशान रवायतें इमाम फरमाए कि हमारे बातों को हमारे कलाम को हमारे अकवाल को दूसरों तक पहुँचाओ क्योंकि उसमें इतनी अच्छाइयाँ हैं कि जब लोग उन अच्छाइयों को सुनेंगे तो खुद ब खुद हमारी तरफ खिंचते हुए चले आएंगे आईम आएं वसलाम ने अपनी रवायतों में बहुत ज़्यादा इमामत पर जोर दिया है इसकी वजह कि इमामत वाकदा है कि यही यहीदा इंसान को सारी तहरीफात से सारे इहराफात से महफूज रखता है अगर कोई इमामत अहले अहल बैतम का क़ायल है और सही मान उनके दर से वाबस्त है तो उसकी तौहीद भी दुरुस्त है उसका अक़ीद अदल भी दुरुस्त है उसका अक़ीद नबूवत भी दुरुस्त है अकीद इमामत भी दुरुस्त है औरदत भी दुरुस्त है न सिर्फ़ की मंजिल बल्कि जो अहल वायतम के दर से वाबस्त है उनकी इमामत और विलायत का क़ायल है उनकी मोहब्बत अपने दिलों को मनवर किए हुए है उसकी नमाजें भी दुरुस्त वबिलबूल हैं उसके रोज़े भी दुरुस्त वबिलबूल उसके जुमला आमाल ख़ुदा बंदम की बारगाह में काबिलकबूल हैं अहल इमामत और विलायत अकायद की भी तसी है और आमाल की भी तस्ह है और अखलाक की भी तसी है और वह तमाम हजरा जो किसी बिना पर बैत के विलायत से मुनारफ है या दूर है या उनको उस एतबार से तस्लीम नहीं करते जो खुदा ने मुन किया है ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि अहल बैत से को चाहने वाले तो बहुत से लोग हैं बहुत से लोग अहल बैत की मोहब्बत का दम भरते हैं उनके फ़जाइल वनब में लोगों ने किताबें भी लिखी हैं और उनकी मोहब्बत का ऐलान भी करते हैं लेकिन उनको वली खुदा हजत खुदा तस्लीम नहीं करते यानी उनको एक मतकी परहेजगार बाफ़ल बा कमाल अहल बैत तस्वुर करते हैं और उनके फ़जाइल मनाक़ब का दम भरते हैं उनकी मोहब्बत के भी काल हैं और उनके दुश्मनों से नफरत भी करते हैं लेकिन उनको वली खुदा नहीं समझते यानी अली अलैहिस्सलाम की विलायत के कायल तो हैं उनके फ़जाइल के कायल तो हैं उनकी अजमतों के कायल तो हैं उनकी कुर्बानियों का तस्करा तो ज़रूर करते हैं उनकी इलमियत के क़ायल हैं सब कुछ क्याल है लेकिन उनको रसोल खुदा सलम का खलीफ बिलाफ़ल तस्लीम नहीं करते उनको वली तो मानते हैं लेकिन हजत खुदा तस्लीम नहीं करते हजत खुदा का मतलब क्या है यानी अली सलाम को दरजानी जो खुदा ने उनको दिया है, हैत खुदा का मतलब अली यानिम की मौजूदगी में कोई दूसरा साहिब इख्तियार नहीं है अल्लाम की मौजूदगी में कोई दूसरा साहेब मनसब नहीं है अलाम की मौजूदगी में कोई दूसरा साहेब इमामत और खिलाफत नहीं है क्योंकि यह हक हाँ मखसूस है इब्न अबी तलाम से तो जिस अली से मोहब्बत करना अलग मसला है और उनको वो रुतबा मक़ाम देना जो खुदा रसूल ने दिया था रसूल खुदा ने उम्र के बताया कि मेरे बाद ये वसी है मेरे जान ये है तुम्हारे इमाम ये है तो अगर हम रसूल खुदा के बाद असलम को वो रुतबा व दर्जा नहीं देते जो अहलेत ने जो अल्लाह और रसूल ने दिया है तो हम सही मानों में अली को मानने वाले नहीं हैं मोहब्बत इसलिए कहते हैं कि अली अलैहिस्सलाम की जात में ऐसी कोई बात है ही नहीं जिसके जिसकी मोहब्बत न की जाए वो तो अच्छाइयों का मजमु है फजाइल का मजमू है कमालत का मजमू है हो नहीं सकता कोई उससे मोहब्बत न करे तो मोहब्बत करना एक अलग मसला है और उनको बिलाफ़ रसूल का जानशीन तस्लीम करना एक अलग मसला है उसी तरह से बकर इमामों का भी मसला है बक़िया इमामों की इमामत को तस्लीम करने का मतलब क्या है हम इमाम अलीबन मूसराम की ज़्यादात को जाएँ उनके फ़जाइल के क़ायल हों उनके मनाकिब के क़ायल हों उनके मुज़ात के कायल हों और उसके बावजूद हम मामून रशीद को खलीफा भी तस्लिम करते हों और उसको इस खिलाफत का हक़दार समझते हों दुरुस्त नहीं है इसलिए इमाम अली अब मूसर रजा की मौजूदगी में बकिया किसी को हुकूमत का खुदा वंदम ने नहीं दिया है हर वो शख्स जो मैं मासूमी अलसलम की मौजूदगी में किसी भी हाकिम को उसकी हुकूमत में हक हकान जाने वाले बैत की सही मार्फत नहीं रखता बल्कि वह खुदा बंदम के इंतब पर एतराज़ कर रहा है खुदा वंदेम के इंतब के ऊपर नुकता छी है यानी खुदा बंद आलम ने जिसको को इमाम वक्त हाकिम वक्त हजत खुदा करार दिया है उसको इस बात से तस्लीम नहीं करता ये मसला बहुत अहम है हम कभी इस बात के धोखे में न आए कि बहुत अहल बैत के चाहने वाले लोग हैं अहल बैत को चाहना अलग है और अहल बैत को वो मंजिलत देना जो खुदा रसूल ने दी वो अलग मसला है अहल बैत की मौजूदगी में किसी को न फतवा देने का हक है न मसाइल बयान करने का हक है न अपनी तरफ से कुरान की तफसीर बयान करने का हक है किसी को अहल बैत की मौजूदगी में अपनी तरफ से नमाज का एक मसला भी बयान करने का हक नहीं है क्योंकि हजत खुदा अहल बैत अलम है इमाम सदस्य के ज़माने में किसी को हक हासिल नहीं है कि हज के मसायल इमाम सदी अल्लाम से छोड़ करके किसी दूसरे से दरियात करें हक नहीं है क्योंकि हक खुदा ने इनके पास फरार दिया इमाम अलीबर मुसा की मौजूदे बाया किसी को खिलाफत का हक हासिल ही नहीं है जब खिलाफत का हक हासिल नहीं है तो खिलाफत को पेश करने का मसला क्या है के मामूल ने खिलाफ पेश की पेश वो चीज की जाती जो किसी का हक हाँ हो जब तुम शुरू से उस पर गाशवाना कब्जा किए हुए हो तो तुम में अगर वाक संजीदगी है तो छोड़कर हट जाओ छोड़ के हट जाओ ये आप मैं दस बरदार हूँ, तो मैं इसके लायक नहीं हूं मैं इसका नहीं हूं मैंने गलत कब्जा किया आपकी मौजूदगी मुझे हक नहीं पहुंचता कि अल्लाह ने ची मेरे करार नहीं दी है तो इमामत अहल बैठ का मतलब सिर्फ मसले मसाला नहीं इमामत वाले ने इस पूरी दुनिया की इमामत इस पूरी दुनिया की हुकूमत इस पूरी दुनिया का अख्तदार खुदा ने अहिल को अता किया है अहल बैत के अलावा अगर कोई शख्स इस दुनिया पर अतदार हासिल करा बैत को छोड़ा है तो वह उसका अकतेदार गा से है उसकी हुकूमत गा हुकूमत है अल्लाह ने हक सिर्फ़ और सिर्फ अहल बैत को दिया है और आज के दौर में ये हक अहल बैत ने अपनी तरफ से अपने फकाहा को दिया है अपने फकाहा को दिया है उन लोगों को दिया है जो अहल बैत की रवायतें नकल करते हैं और जिनके दिल अहल बैतु वाम की मोहब्बत और विलायत से मुनवर है उन फोहा को अहल बैत ने अपने ज़माने में इख्तियार दिया है जो अहल बैतः वसलम के खा के कदम को अपने सर का ताज समझते हैं बल्कि अहल बैत के खा वो, वो फ़ोहा जो अहल के गुलामों के क़दमों की खाक को अपने सर का ताज समझें ये वो लोग हैं जिनको इस दौर ग आय मासूमिन ने हम पर वली करार दिया है और हम पर हाकिम करार दिया है इस बिना पर यह बैत के दर से वस्ता इनकी सारी अजमत सारी मंजिल सारी बुजुर्गी अमल के अलावा जो है वहल बैत के दर से वाबस्तगी की बिना पर है अहिल के दर के ग़ुलामी के बिना पर हैं दर के अहबैद के दर के कशी के बिना पर हैं इमाम अली इब्न व सलाम ने इमामत के मौजू पर एक तवील हदीस इरशाद फरमाई है आप गौर करें इस इमामत के मौजू को अगर हम सही तौर से नकल कर ले जाएँ और इमामत की मंजिलत को हम सही तौर से समझ ले जाएँ तो ये बात खुद खुद आ जाए कि हम दुनिया के किसी भी शख्स को इमाम के बराबर का दर्जा नहीं दे सकते अगर इमामत की मंजिलत सही मानों में हमारे दिलों में रोशन हो जाए और हमारे दिल और दिमाग इमामत के मफ़ूम से मुनवर हो जाए तो आप यकीन जानिए हम दुनिया के बड़े से बड़े आलिम हो फ़ीर हो मुश्त हो मुहदस हो कोई भी उनको अहल बैत के बराबर का दर्जा नहीं दे सकते न एक को बल्कि सब को मिला कर के भी अहल बैत के बराबर नहीं करार दे सकते अगर कोई शख्स किसी को भी अहल बैत के बराबर का दर्जा दे रहा है तो आप यकीन जाने वह इमामत की मंजिल से वाकिफ नहीं है मैं छोटी सी मिसाल दे करके बात वाजे करूँ कि अगर इन चीज़ों के बाद उनको अहलवाद का दर्जा मिल जाता है और उनको बराबरी का दर्जा दिया जाता है इसका मतलब क्या है इसकी छोटी अगर कोई शख्स किसी मंजिलत के लिए किसी कुर्सी के लिए किसी मकाम के लिए किसी पोस्ट के लिए अगर कहीं गवर्नमेंट ने किसी ने पी की शर्त रखी है और ये कुर्सी ये मनसब उसको मिलेगी जिसने फला मज़मून में पी किया होगा डॉक्टरेट किया होगा अगर उस कुर्सी और मनसब के लिए पी एच डी की डिग्री शर्त है अगर वही मनसब एक प्राइमरी के स्कूल के पढ़े हुए लड़के को दे दे बल्कि उसको दे दें जो अभी प्राइमरी के पहले केज में के में पढ़ रहा है अगर हम के जी में पढ़ने वाले दर्जे को वही पोस्ट वही कोर्स दे दे वही कुर्सी दे दे और वही इख्तियार दे दे तो मुझे अगर यही कुर्सी के जी को दी जाने वाली थी तो भी पी एच डी की शर्त लगाने की क्या ज़रूरत थी अगर इस कुर्सी पर इस रियासत पर इस मंजिलत पर एक के जी का लड़का बैठ सकता है तो उसमें पी एच डी की शर्त लगाने की क्या ज़रूरत थी अखिल बात कबूल करें तो अगर इमामत के दर्जे पर हम बा लोगों को उस मंजह पर ले आ सकते हैं तो इसमें इमामत में इसमत की हत लगाने की क्या ज़रूरत थी उस इमामत के इल्मी की ज़रूरत क्या थी उस इमामत के लिए अफजलियत की ज़रूरत क्या थी जब यह दर्जा गुनागारों को मिल सकता है खताकारों को मिल सकता है तो इसमत उज्मा की ज़रूरत क्या थी जब ये दर्जा चंद पढ़े लिखे लोगों को मिल सकता है तो इल्मी और की शब की क्या जरूरत थी इसमें रसूलुल्लाह की हदीस की क्यों ज़रूरत थी की नस की क्यों जरूरत थी गौर तो करें ये क्या है ये इस बिना पर हम बैत की अजमतों से वाकिफ नहीं है हम इमत के कदर से वाकिफ नहीं है आज के दौर में ज़रूरत है दिल खोल करके तहक़ीक़ के साथ इमामत के मसाइल को लोगों के सामने पेश करने की इमामत के मसाइल को बयान करने की कि इमामत है क्या दर्जा इमामत क्या है फजाइल इमामत क्या है इमामत की फजीलत हम नहीं बन इमामत की फजीलत इमाम ही बन इमाम इमामत हिया मंजिलतलम्बिया इमामत अम्बिया की मंजिल है वह विरसुल अवसिया और अवसिया की मीरास है इन इमामत ख़िलाफ़ इमामत अल्लाह की नुमाइंदगी है इमामत रसूल खुदा की नुमाइंदगी है इमामत अमीन की मंजिलत है इमामत इमाम इमान हुसैन की मीरास यहाँ जो मंजिलत की बात हो रही है इसका मतलब क्या है यानी वो मक़ाम जो अली अबन भी तालीब हासिल था अलमको अलीस्म को जो मकाम हासिल था उस मकाम पर कोई नबी नहीं पहुँच सकता कोई वसी नहीं पहुँच सकता कोई नबी नहीं पहुँच सकता सलाम की मंजिलत पर इमाम हसन की मंजिलत पर वाक कोई नबी नहीं पहुंच सकता अंबिया नहीं पहुंच सकते अहल वैद का मरतबा बहुत बुलंद है बहुत बुलंद है उस मरतबे पर अंबिया नहीं पहुंच सकते आप यकीन जानिए अगर अंबिया पहुंच सकते होते तो कभी हूर के वक्त आप देख लेंगे कि अगर अम्बिया का दर्जा इमामत से अफसल होता तो ूर के वक्त जनाब ईसा को नमाज पढ़ाना चाहिए थी इमाम वक्त को पीछे नमाज पढ़ना चाहिए थी लेकिन रवायतें मत जब ूर होगा तो जनाब ईसा पीछे नमाज़ पढ़ेंगे इमाम में वक्त आगे नमाज़ पढ़ाएंगे इसकी वजह क्या या इमाम ज़माना की इमामत का दर्जा जनाब ईसा की नब्बोत से बुलंद है वाक़न बुलंद है ये मकाम भी अमीरमिन है मकाम कौन अलीसलाम को रसूल ख़ुदा का हमसर नफ़ से रसूल करार दिया गया है इमाम हुसैन कौन हुसैन मनी वाना नमी हुसैन की मंजिल पर फायज़ है इमाम हसन रसूल खुदा के जिगर गोशे हैं ये लोग फजीलत में मनकबत में फजाइल में कमालत में रसोल्ला के से मिलते जुलते हैं ये उनके दर्जे के लोग हैं ये मकामात उनके मकामात हैं ये फर्जंदे रसूल हैं ये गोशे रसूल हैं ये जिगर गोशे रसूल हैं ये सिर्फ नजल के خون से खून के रसूल से करीब नहीं है वो तो करीब है ही करीब हैं अपने फजाइल के قریب से اپنے अपने کے के سے से करीब خدا खुदा की बारगाह قربت के एतबार से करीब अपने दराजात के अतबार से यानी वो शान वो अजमत जो खुदा रसोल्ला करार दिया, अगर उसकी कोई झलक नजर आती है करीब से तो वह झलक इन पंजतन में नज़र आती है जनाब जहरा में नज़र आती है अमर उमीन में नज़र आती है इमैन हुसैन में, में नज़र आती है ये दराजात कोई बुलंद कर... कम दर्जात नहीं है कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता उस दल इमामत जमामुद्दीन इमामत दीन की जमाम है यानी यह इमामत वो है जो दीन को बांधे हुए है जिस तरह से कुछ लक लड़कियों लड़कियों को ले करके कुछ ले करके कुछ चीज़ों को लेकर आप एक रस्सी में बांधें जब ये रस्सी में बंधी होती है तो ये बं गंठल बथा होता है अगर ये धागा टूट जाए तो चीज़ मुंतशिर हो जाती है। तो वो चीज़ जो मिलत इस्लाम को एक नुक्ते पर जमा कर सकती है वो इमामत अहल ज़मामुद्दीन है उसका कंट्रोल इमाम के हाथ में है अगर आज लोगों ने उम्मत की ज़माम उम्मत की ज़िम्मेदारी अहल बैत के हाथों में दी होती तो इस वक्त उम्मत इस तनाजुली और इस ज़िलत का शिकार ना हो पर बताते निज़ामुल मुस्लिमीन इमामत मुसलमानों का निज़ाम है यानी मुसलमानों को किस तहत के तहत मुसलमानों को ख़िलाफ़त के निज़ाम पर नहीं चलना है मुसलमानों को इमामत के दस्तूरुल अमल पर चलना है यानी ये इमामत सिर्फ शी से मखसूस नहीं है हर उस शख्स पर इमामत अहल बैत वाजिब है ज ला ला मोहम्मद रसूल का कलमा पढ़ता है क्यों इसलिए इस इमामत को ख़ुदा वंद वहदउल शरीक ने वाजिब करार दिया है और इस इमामत को हज़रत रसोल ख़ुदा सल्म ने ज़रूरी करार दिया है तो तोहीद और नबूवत के अकीदे का तकाजा यह है कि जो फैसला खुदा करे और जो फैसला उसका रसूल करे उसके सामने तस्लीम हो जाना हर कलमा गो की जिम्मेदारी है हर कलमा गो की जिम्मेदारी है फर्मात सलाह दुनिया इज़्ज़ुल मुसमिन दुनिया के असलास मसलहत दुनिया इमामत वक्त है इमामत है अगर आज भी दुनिया इमामत हैदे बैठ के नुक्ते पर जमा हो जाए तो इस दुनिया में सला ही सलाह है ने की इज्जत इमामत में पोशीदा है इमामत के अकीदे में मोमिन की इज्जत पोशीदा है उसमें नामी इमामत उस इस्लाम की बुनियाद जो कर रहा है यानी वो इस्लाम जिसकी बुनियाद इमामत है वही इमाम तरक्की करके कर जाएगा आप यकीन जानिए आज जो दुनिया में इस्लाम की बदनामी हो रही है वो उस इस्लाम की बदनामी हो रही है जिसकी बुनियाद खिलाफत पर रखी गई है जिसकी तलीमत का सरचश्मा खिलाफत है जिसकी तबलीगत का सरचश्मा खिलाफत है अगर आज इस इस्लाम की बुनियाद इमामत पर रखी गई होती तो उसमें खुरजी न होती दहशत गर्दी न होती फसाद न होता लोगों की जान न ली जाती अख्तिलाफ़ात न होते इस्लाम के नाम पर दूसरों को कतल वत न किया जाता इमामत की बुनियाद ये है क्यों मैसे कह रहा हूं कि अगर ये ये सारा जो खुरीजी हो रहा है ये उस इस्लाम पर हो रहा जिसकी बुनियाद इमामत नहीं है क्योंकि इमामत के इमाम बुनियादे अलीलाम की जब सर पर जरबत जा, ले तो क्या फरमाया था देखो इस कतिल ने मुझ पर एक जरबत लगाई है अगर मैं जिंदा रह गया तो मैं खुद फैसला करूं मुझे क्या करना है ठीक अगर मैं जिंदा ना बचा तो उसने एक जरबत लगाई तुम भी एक जरबत ही इस पर लगाना अगर एक जरबत से मर गया तो मर गया वरना दूसरी जरबत न लगाना वो अली जो अपने कातिल के साथ इतना आदलाना बर्ताव करने का हुक्म दे रहे हैं क्या वो वो इमामत ये फैसला करेगी कि किसी एक की कि बिना पर बेगुनाहों का कत्ले आम कर दिया जाए ये बेगुनाहों का कत्ले आम इमामत की तालीम नहीं है ये बेगुनाहों का कत्लेआम उस निजाम की तालीम नतीजा है जिसने मालिक बिन नुवैरा को बिला वजह कत्ल कराया था जिसने साध बिन उबादा के ऊपर तीर चलवाए थे ये उस निजाम का नतीजा है जो आज कल चल रहा है इमामत कि इस्लाम की बुनियाद इमामत अगर आज भी इमाम इस्लाम की बुनियाद अहल बैत की इमामत हो जाए आप यकीन जानिए दुनिया का नक्शा बदल जाएगा व फरसामी इमामत ही बुनियाद और इमामत ही उसकी शाख है यानी वो दीन इस्लाम जिसकी बुनियाद इमामत है उसकी फरा उसकी शाखें भी सही और सालिम है बेलाम तमाम मुसलात बस जक़ात बस श्याम बलहजे बद जहाद इमाम की बुनियाद पर इमामत के अक़ीदे की बुनियाद पर इमाम के अकीदे की बुनियाद पर नमाज मुकम्मल है यानी वो नमाज जिसमें अकीद इमामत नहीं है और ख़ुदा की बारगाह वो नमाज कबूल नहीं है वो ज़कात का देने वाला इमामत अहलबैद का उसकी जक़़त कबूल नहीं है वो रोज़ा वो हज वो जहाँ जिसमें इमामत कईदानी में कोई एक चीज़ खुदा की बारगाह में कबूल नहीं खुदा की बारगाह में वही अमल कबूल होगा जो विलात अहलबैद के साथ अंजाम दिया जाए और विलायत तो विलात यानी अहल बैत को रसोल ख़ुदा का बिलाफ़ल जानशीन तसुर करके के तसुर कर नहीं अहल बैत को रसोल खुदा का बिलाफल जानशीन तस्लीम बिला करते हुए और उनके अलावा किसी को ही हक़ न देते हुए जो तस्लीम करेगा उसकी नमाज़ें कबूल है उसके रोज़े कबूल है उसका हज कबूल है उसकी ज़कवात कबूल है तो फिरफे आपकी बिना पर फे टैक्स व और अमामत की बिना पर हदूद जारी किए जाएंगे अहकाम जारी होंगे सरहदों की हिफाजत होगी और चीजों की हिफाजत की जाएगी उसके इमाम फरमाते हैं कि इमाम क्या है कहते इमाम जो है अल इमाम कश्यम से तलिया अलमुजिल बिन इमाम चमकता हुआ सूरज है जो अपने सूरज की शोशी से सारी दुनिया को मुनवर किए है। हैं वह वाह बिनुक है सल्ला सनालसार वल्दी इमाम फजीलत तो कमालत की उस बुलंद उफ़ पर फायद है जिस पर आँखें और हाथ पहुँच नहीं सकते यानी इमामत की मंजलत उतनी ज्यादा बुलंद है कि जिस तक किसी के रसाई नहीं है मौल के नाथ खुद शफल्ला वाला ये कमाल तक तुम्हारा तायर फिक्र भी नहीं पहुँच सकता वो कमाल जो ख़ुदा इमाम को ताकि उन कमाल कोई फ़र्द बशर उसका तस्वुर भी नहीं कर सकता क्या कमालत खुदा इमांसम अमाम अलबरमिर बसराज़ाहिर ताल इमाम एक रोशन चाँद है चमकता हुआ सितारा है और उभरता हुआ नूर है इमाम दिलों को मनवर करते हैं फ़िक्रों को मुनवर करते ख़याल को मनमर करते हैं व नजुमल हादी फे दुजा और जिस वक्त चारों तरफ तारेखियाँ फैल गई हो तो इमाम वो सितारा है जो लोगों को सरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत करता है खासकर इस दौर में जब चारों तरफ से शुकुर को शुभात की आधियाँ चल रही हैं सोशल मीडिया पर उस तरह तरह की तारीखियाँ फैलाई जा रही हैं तो अगर इस सोशल मीडिया के तारीख अंधेरे दौर में अगर कोई शीमा हदायत हासिल करना चाहता है तो उसका वाहिद रास्ता इमामत के दर से मुतमस्सिक होना है वलिल हिदायत का रास्ता हिदायत का चिराग हिदायत के रहनमायमजिम रदा हलाकतों से इमाम ही नजात दिलाएगा अल्म अमीन इमाम, इमाम अल्लाह की मखलुक़ में खुदा का मानदार है खुदा का जिम्मेदार है खुदा का नुमाइंदा वजत हूँ अला इबादे और इमाम खुदा की हजत उनके बंदों के ऊपर व खलीफत हूँ फ़े बिलाद व अल्लाह से दावत देने वाला है और अल्लाह के हरम से सालम करने वाला है उस फरमाते उसके जो फरमाते हैं अलमाम अलमा उजम इमाम एक हुए सहरा में जहाँ धूप हो शिद्दत की प्यास हो इमाम एक गवारा ठंडा पानी है जो हिदायत की प्यास को बुझा देता है तपते हुए सहरा में धूप में शिद्दत की धूप में एतराजात की धूप शुकु को शुभात की धूप बसों की धूप सारे धूप अगर कोई भी अता कर सकता है तो अकीद इमाम इमाम बुलंदी पर एक रोशन नूर है चिराग है अल्हाफा और जब ठंडक लग जाए तो इमाम सुकून का जरिया है गर्मी पहुंचाता है आप गौर करें इमाम क्या है शदी तरीन धूप में इमाम गवारा पानी है। और कड़कड़ाते जाड़े में इमाम बेहतरीन पना गाह यानी सख्ती में नरमी में हालात में, मुख्तलिफ हालात में अगर कोई पना गाह है तो इमाम सख्तरी दे यानी चाहे सख्त तरीन हालात ही सख्त हो या कितने ही सर्द हो मुख्तलिफ हालात में अगर कोई पना गाह है तो इमाम वलील फिल्म हालिक हलाकतों में रहनुमाई इमाम करते हैं मन फारक फालिक जो इमामत को छोड़ दे वो हलाक हो जाएगा अलमाम इमाम बरसने वाला बादल है वल गैसात मूसलाधार बारिश है व शम्समजिया चमकता व सूरज है व समाओ जलीला और साया करने वाला आसमान है वलरजलबसीता हमवार ज़मीन है वन चारने वाला चश्मा है वलिनो व रोज़ा तालाब है बेहतरीन चीज़ें हैं अमाम अललीसलफ़ी इमाम बेहतरीन मूनस, बेहतरीन दोस्त वलबालदफ़ी इमाम मेहरबान बाप वल़ुल शकीक हाथ बटाने वाला भाई वलबर्रा बिलवलद और एक माँ जिस अपने छोटे से बच्चे उससे ज़्यादा इमाम अपने चाहने वालों से मोहब्बत करते हैं फिर और इमाम लोगों को जहन्नम की आग से बचाने वाले हैं ये थोड़े से फजाइल थे जो मैंने आप सामने हमने इमाम अली सलाम की हदीस से नकल किए हैं और ये जितनी खसूसियतें इमाम अली इब्न मुशरज़ान इमाम के ताल्लुक से बयान फरमाई हैं ये सब के सब खूसियतें अपने तमाम कमाल और जमाल के साथ हज़रत वलीअलवा सलाम की जात ज़ादस मौजूद है यानि इसमाम ज़मान हज़रत हजतब हसन के असरी की, की ज़ात इन तमाम खसूसियात का मजमू है यानी वो सारे कमालत जो इमामत के बयान किए गए ये सारे कमालत इस वक्त हमारे इमाम जमाना की ज़ात में पाए जाते हैं यानी इस सिफात का हामिल आज भी जिंदा है एक मजमु सफात कमाल है जो हमारे दरमियान मौजूद है वही शान और शौकत वही इज्जत वही अजमत के साथ इमाम वक्त की जात मौजूद है वही तमाम खुश जो तुम के मौजूद हैं हम जिस तो आज भी इम वक्त की ज़्यादा बेहतर आ हर वो शब्द इस दौर में जोर फितनों फसाद में हलाकतों से महफूज रहना चाहता है उसका वाहिद रास्ते इमाम वक्त की पनाह में आ जाना खुदा हम सब को अकीद इमामत की सही बसीर सही मार्फत अदा करे और इस बसीरत मार्फत में रोज़ बर रो इजाफ़ा फरमाए और आखिर दम तक हमें इस इमामत के अकीदे पर साबित कदम रहने की तोफ़ी इनायत फरमाए और इमाम वक्त के दीदार की ज़्यारत हम सब को जल्द जल्द नसीब फरमाए उनके दस्ते मुबारक का बोसा लेने की उनके क़दमों की खाक को सर सुरम चश्म बनाने की हम सब को शादत नसीब फरमाए कल्ब मुक़दस मामजमान को हम सबसे राज़ी खुशलू फरमाए और इस मुबारक मसूद दिन की शादत तो व बरकत बिना पर इस बला को दूर फरमाए और हम सब कोलब मुक़द से मामजमान को हम, हम सब सबसे राज़ी खुशलूस फरमाए असलमकूम वरम वक्